ठीक है ना, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि यहाँ पर देखेंगे लिब्रे ऑफिस हमने ओपन किया और सबसे पहले यहाँ पर राइटर कैल्क इम्प्रेस, राइटर हो चुका है, कैल्क हो चुका है, इम्प्रेस की बारी है। इम्प्रेस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये विंडो जनरेट होगी और ये विंडो आपके सामने ये जनरेट हुआ। अब इसके सामने लास्ट में मैं टाइम दूंगा, लास्ट में मुझसे पूछ लेना, ठीक है ना, बीच में कोई नहीं पूछेगा। यहाँ पर देखेंगे आपके सामने ये विंडो आएगी और इस विंडो में देखेंगे एक जगह क्लिक टू ऐड टाइटल है। आपके सामने यहाँ एक टम्पलेट भी सामने आ जाता है, जैसे ही ओपन करते हैं तो ये टम्पलेट है। टम्पलेट को हम पहले भी डील कर चुके हैं, विजार्ड में हमने ऑप्शन में पढ़ा था, राइटर में टम्पलेट, टम्पलेट्स मतलब बना बनाया प्री फॉर्मेटेड पेज, पहले से बना बनाया पेज, टम्पलेट का मतलब ये होता है। तो यहाँ से देखेंगे प्री फॉर्मेटेड पेज आपको चाहिए तो यहाँ से कलरफुल पेज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेज यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, हम यहाँ पर देखेंगे पेज बोल रहे हैं, लेकिन पेज बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं, फिर क्या बोलेंगे? यहाँ पर हम इसे पेज नहीं बोल सकते, यहाँ पर इसको हम स्लाइड बोलेंगे, जो वास्तविक वर्ड है, जेन्युइन वर्ड, कि हम इसको स्लाइड यहाँ बोलेंगे, यहाँ पर पेज नहीं बोलेंगे। अगर हम राइटर पर हैं तो पेज बोलेंगे, और अगर हम कैल्क पे हैं तो सीट बोलेंगे, और यहाँ पर आते हैं तो इसी को स्लाइड बोलते हैं। है पेज ही, अगर है पेज ही देखा जाए तो वो पेज ही है, लेकिन बोला जाने वाला वर्ड अलग अलग जगह पर अलग अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम अगर टेम्पलेट चूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से हम टेम्पलेट को चूज़ कर लेंगे, और जैसे ही चूज़ करेंगे और ओपन करेंगे तो वैसा ही टेम्पलेट आपका अलाउ हो जाएगा। अगर टेम्पलेट हमने नहीं लिया, हमने टेम्पलेट नहीं लिया, नहीं लिया तो हमारे सामने ये ब्लैंक पेज आपको ऐसा मिल जाएगा। एक में लिखा होगा, यहाँ पर लिखा है क्लिक हियर ऐड टाइटल, मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल और क्लिक टू ऐड टेक्स्ट। यहाँ पर देखेंगे पहले से ये बना हुआ है और सिंपली अगर हमको दिख रहा है तो ये टेक्स्ट बॉक्स के जैसा ऑप्शन है, जिसमें कि हम कर्सर को डबल क्लिक के माध्यम से रख करके हम चाहें तो इसे क्या कर सकते हैं, इस पर एडिट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देखेंगे टाइटल पर डबल क्लिक किया तो यहाँ लिखने का माध्यम बन जाता है हमारे लिए, यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं, जो मन आए वो लिख सकते हैं, यहाँ पर किसी भी टॉपिक का हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अगर टॉपिक की बात करें तो प्रेजेंटेशन में बनाने के लिए हमारे पास टॉपिक अलग अलग होना चाहिए, कोई भी टॉपिक का प्रेजेंटेशन, जैसे मान लीजिए कि किसी स्कूल में आपको बोला गया, किसी भी जगह पर आपको बताया गया कि एक प्रोजेक्ट दिया गया, प्रोजेक्ट दिया गया कि गांधी जी के बारे में आपको 10 पेज, मतलब 10 पेजेस आपको स्लाइड बनानी है, और स्लाइड बनाने के बाद उस स्लाइड को प्रेजेंटेशन के रूप में आपको जमा करना है या सबमिट करना है। तो उस कंडीशन पर आप इसका इस्तेमाल करोगे और इसका इस्तेमाल करके आप अपनी स्लाइड को मेंटेन करोगे। अब यहाँ पर आपके सामने एक पेज है, अब फिर उसके बाद इसी के नीचे आपके सामने दूसरी स्लाइड जुड़ जाएगी, तीसरी जुड़ जाएगी, चौथी जुड़ जाएगी, पाँचवीं जुड़ जाएगी, इस तरीके से जितने भी स्लाइड्स होंगी वो सभी स्लाइड जुड़ती चली जाएंगी। हम मान लीजिए एक प्रोजेक्ट तैयार करते हैं और किसी भी कंपनी या संस्था या किसी भी टॉपिक को लेकर के हम एक प्रोजेक्ट बनाने का प्रयास करते हैं, जिसमें 2 से 3 पेज, 4 पेज, जितने भी पेज हम बना सकेंगे उतने पेज बना करके, और फिर उसके बाद इसके जितने भी फीचर होंगे वो सारे फीचर को एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब आते हैं तो यहाँ पर क्लिक हियर ऐड टाइटल है। अब हम यहाँ पर कुछ टाइप करेंगे, जो भी टाइप करना है, जैसे हमने टाइप कर दिया RGS, RGS कंप्यूटर सेंटर। अब यहाँ पर देखेंगे RGS कंप्यूटर सेंटर, अब ऊपर हमने लिख दिया ये एक कंप्यूटर सेंटर है और इस कंप्यूटर सेंटर को हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसका देखेंगे, हमने एड्रेस लिखना चाहा तो यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे, सामने देखेंगे क्योंकि सामने ही दिखाई देता है, पीछे एक दूसरे को देखने से कोई फ़ायदा नहीं। कभी संडे के दिन फुर्सत में चले जाइए, दो एक दूसरे के यहाँ चाय वाय पीजिए, है ना, और बतियाइए, फिर आइए, ठीक है ना, तब पढ़िए। एड्रेस, एड्रेस में यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर सपोज दैट यहाँ पर लिखा हुआ है, एड्रेस में हमने दे दिया यहाँ पर प्रयागराज,
प्रयागराज, एड्रेस प्रयागराज दे दिया। अब इसमें आगे जो भी डिटेल हमें भरनी है वो हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। दूसरा देखेंगे, स्लाइड हमको अगर इंसर्ट करना है तो एक स्लाइड हमें और चाहिए। अगर इस स्लाइड को यहाँ से हम अगर क्लिक करके और न्यू स्लाइड को लेने का प्रयास करेंगे तो हमारे पास नई विंडो जनरेट होगी, ना कि न्यू स्लाइड जुड़ेगी, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा प्रेजेंटेशन मैं ओपन करूँगा, इसको क्लिक करके दिखाऊँगा ताकि समझ में आए। जैसे ही मैं प्रेजेंटेशन पर क्लिक करूँगा तो आपकी ये विंडो ख़त्म हो जाएगी और एक नई विंडो आपके सामने आएगी। फिर वही कंडीशन आ गई जहाँ से हम शुरू हुए थे, ठीक है ना। तो हमें नई विंडो यहाँ से मिल जाती है। हम इस विंडो पर काम नहीं करेंगे, हम इस विंडो को टर्मिनेट कर देंगे। क्लोज ऑप्शन आप पढ़े हुए हो, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये विंडो बंद होगी और पुरानी विंडो आपके स्क्रीन पर लगी हुई है तो वो दिखने लगेगी। अच्छा, फिर उसके बाद हमें एक नया स्लाइड नीचे चाहिए, तो हम चाहिए तो इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लें और फिर उसके बाद यहीं पर पेस्ट कर लें तो एक स्लाइड और बन जाएगा। मतलब हमारे पास दो पेज हो गए, उसी पेज को कॉपी किया, दूसरी स्लाइड बन गई। अब दूसरे में जा करके एडिट करना चाहें तो हम क्लिक करके आसानी से एडिट करके अगली चीज़ लिख सकते हैं। अगर हमें ये मेथड नहीं चाहिए तो हम यहाँ से कट कर लेंगे। हमें नीचे एक पेज अगर जोड़ना है तो हमारे सामने यहाँ पर होगा न्यू स्लाइड, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि किस प्रकार की स्लाइड चाहिए। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन में यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और एक 12, मतलब 12 टाइप के आपको पेज दिए जा रहे हैं कि 12 टाइप के फॉर्मेट दिए हुए हैं और इन 12 टाइप के फॉर्मेट में से किसी भी फॉर्मेट को आप उठा सकते हैं। तो हम सिंपल वाला फॉर्मेट उठाते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ टाइटल स्लाइड पर क्लिक किया तो जैसा हमने पेज लिया है वैसा ही पेज मिलेगा। यहाँ पर क्लिक किया, देखेंगे ये वैसा ही सेम टू सेम पेज मिला जैसा पहले हमने लिखा था। एक स्लाइड हमारे साथ यहाँ पर अटैच हो गया तो दूसरी स्लाइड यहाँ पे आ गई। दूसरी स्लाइड में भी हम जो लिखना चाहें इसके आगे का कंटेंट लिख सकते हैं, ठीक है ना। दिस टेक्निकल इंस्टीट्यूट, दूर दूर बैठ जाओ तुम लोग। अगर दूर दूर नहीं बैठोगे तो फिर वही बीच में रोकना पड़ेगा और घर छोड़ना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। टेक्निकल इंस्टीट्यूट, यहाँ पे देखेंगे दूसरा पेज हमारा तैयार हो गया। मतलब एक पेज ये है जिसमें कि हमने ये चीज लिखा हुआ है और दूसरा पेज हमारा ये तैयार हो गया। पहला पेज ये हो गया, पहला स्लाइड ये हो गया, दूसरा स्लाइड ये हो गया, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद जितनी भी स्लाइड हमको जोड़नी है तो यहाँ पर जाना है हमको और न्यू स्लाइड लेना है और जितनी स्लाइड चाहिए हम इसको फॉलो करते चले जाएंगे। यहाँ से हम स्लाइड जोड़ते चले जाएंगे। अच्छा, अब ये जो स्लाइड है इसमें और आगे अगर आपके पास कंटेंट है, आपको बोला गया कि इस टॉपिक पर आपको 10 पेज बनाने हैं, अगर 10 पेज बनाने हैं तो ऐसे ही आप पेज जोड़ते चले जाएंगे और सब पर कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा, सब पर कुछ ना कुछ कोटेशन लिखना पड़ेगा, कुछ टेक्स्ट देने पड़ेंगे, ठीक है। तो सपोज दैट हम 2 पेज का यहाँ पर स्लाइड बनाते हैं और फिर उसके बाद एक पेज और ले लेते हैं, लास्ट में देते हैं थैंक यू वगैरह या कुछ और देना चाहें, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना, ठीक है। ये बॉक्स हटा देते हैं, एक ही बॉक्स में लिख देते हैं, यहाँ पर ये हटा दिया और इसको कट कर दिया, यहाँ से हट गया। हटाने का तरीका ये है। अब देखेंगे पहला फेज हो गया, पहला स्लाइड, दूसरा स्लाइड, तीसरा स्लाइड, 3 स्लाइड है। हम तीन स्लाइड से ही पूरा प्रोग्राम करके आपको दिखा देंगे कि कहाँ से क्या चीज़ें आपको मिलती हैं। हमारा काम है कि यहाँ पर पेज बढ़ाना नहीं, हमारा काम है कि ये सारे ऑप्शंस आपको सही तरीके से पता चल जाएं कि ये कैसे फंक्शन करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करना है कि यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं उन टेक्स्ट में कोई सेटिंग करना चाहते हैं, टेक्स्ट में कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो साइड में हमारे सामने ऑप्शन साइड बार होता है
और साइड बार में हमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसा कि आप राइटर में कैल्क में पढ़ करके आए हो कि आपको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ऊपर ही आपको मिल जाएगा, फॉर्मेटिंग टूल्स में मिल जाएगा, तो वो ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला इसमें। फिर मिलेगा कैसे, यहाँ पर आपको जो साइड बार होगा वो सारी चीज़ों को प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर आपने क्लिक कर दिया तो ये बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन फॉन्ट ये सारे ऑप्शन आपके ख़त्म हो जाएंगे। जैसे ही आपने यहाँ क्लिक किया तो ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जिसमें कि टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे तो जितना सेलेक्ट करेंगे उसी पर सेटिंग अप्लाई होगी। जैसे मैंने पहले ही बताया है कि जितना सेलेक्ट करोगे, जिसको सेलेक्ट करोगे उसी को लड्डू मिलेगा, स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे सेलेक्ट किया और यहाँ से लैंग्वेज सिलेक्शन में गए तो हम जिस प्रकार की लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पर लैंग्वेज बिहेवियर वैसा ही मिलेगा। अगर हमने राइटर में अच्छे से पढ़ा हुआ है तो हमको ये सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं, अपने से आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। यहाँ पर चलते चले जाते हैं, इसमें से किसी भी लैंग्वेज को चूज़ कर लेते हैं, जो भी हमें सही लगे हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे, वही चीज़ यहाँ पर सेट हो जाएगा। अगर यहाँ कैरेक्टर का साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ते नंबर पर क्लिक करेंगे तो कैरेक्टर का साइज़ घट जाएगा, और घटते नंबर पर क्लिक करेंगे तो कैरेक्टर का साइज़ घट जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कैरेक्टर का साइज़ बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते हैं और कैरेक्टर का साइज़ घटाना चाहें तो घटा सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट होता है कि हम कितने बड़े वर्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं प्रेजेंटेशन पर। फिर उसके बाद इसमें देखेंगे अगर कलर्स देना है तो कलर के लिए यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, ये सारे ऑप्शंस आप खुद से कर लीजिएगा, कहीं कोई समस्या नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ें हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे टेक्स्ट हाइलाइटिंग है, मतलब पीछे का कलर चेंज करना है तो इसका इस्तेमाल करेंगे, नो हाइलाइट यानी नो फिल पे जाना है। और फिर उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट के बीच में भी स्पेस मिलेगा, मतलब जितने भी टेक्स्ट होंगे उनके बीच में स्पेस चाहिए तो उसके लिए यहाँ पर वेरी लॉस करेंगे और अधिक स्पेस मिलेगा, नॉर्मल करेंगे तो टेक्स्ट के बीच में नॉर्मल स्पेस मिलेगा, वेरी टाइट करेंगे तो एक दूसरे से जुटा हुआ कैरेक्टर मिलेगा, नॉर्मल करेंगे तो हल्का सा गैप मिलेगा, ठीक है ना। ऐसे ही सुपर स्क्रिप्ट, लाइन स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट है, यहाँ ग्रुप फॉन्ट और सिरिंग फॉन्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है। यहाँ पे ऑप्शन आपको बुलेट स्टाइल और नंबर स्टाइल का भी मिलता है, जहाँ पे आप बुलेट स्टाइल और नंबर स्टाइल लगा सकते हैं। यहाँ पे डिक्रीज और इंक्रीज का ऑप्शन मिलता है, यहाँ शॉर्ट का भी ऑप्शन मिलता है, शॉर्ट मतलब छोटे से बड़े के क्रम में, अगर टेबल के अंदर नंबर लिखा हुआ है तो हम छोटे से बड़े के क्रम में अल्फ़ाबेट या नंबर को कर सकते हैं, और बड़े से छोटे के क्रम में करना चाहें तो बड़े से छोटे के क्रम में भी कर सकते हैं। टेक्स्ट को देखेंगे अलाइनमेंट मिलेगा, राइट में जाना चाहें राइट में, लेफ्ट में ले जाना चाहें लेफ्ट में, और सेंटर में जाना चाहें तो सेंटर में करने का मौका मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे टॉप में तो ऊपर आ जाएगा, सेंटर में तो सेंटर हो जाएगा, बॉटम में बॉटम में, यहाँ से अपने से एडजस्टमेंट ले सकते हैं। स्पेसिंग की बात करें तो यहाँ से स्पेसिंग आप अपने से खुद से सेट कर लीजिएगा, जिसमें कि यहाँ पर टेक्स्ट और पैराग्राफ के बीच, जो पैराग्राफ है और टेक्स्ट के बीच स्पेस आपको मिल जाएगा, स्पेसिंग मिलेगा। इंडेंटेशन लेफ्ट राइट जितना चाहें उतना सेट कर सकते हैं। वही चीज़ सेम टू सेम इसके साथ अगर करना है तो वही चीज़ यहाँ भी आपको मिल जाता है, यहाँ से आप वही चीज़ कर सकते हैं जो ऊपर वाले टेक्स्ट के साथ आपने सेलेक्ट किया था, वही चीज़ यहाँ से भी फॉन्ट बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन जो भी सेट करना चाहें वो सारी चीज़ें इसके साथ भी हो सकती हैं, जैसा आपने ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब ये सारी सेटिंग कर लिया, फिर उसके बाद दूसरे पेज पर भी ऐसे ही आएंगे। दूसरे पेज पर भी आने के बाद यहाँ पर वैसे ही करना है, यहाँ पे मैटर को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद कुछ टेक्निकली इसमें सेटिंग कर दिया, ये सेटिंग हो गई। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये मैटर लिखा हुआ है, इसको भी हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसमें कुछ सेटिंग्स हमने अप्लाई कर दी, जैसे ये सेट कर दिया, और फिर उसके बाद यहाँ कलरफुल कर दिया और बोल्ड कर दिया, और कैरेक्टर का साइज़ बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, 32 से 40 कर दिया तो कैरेक्टर का साइज़ बढ़ गया। अब फिर उसके बाद ये दूसरा पेज हो गया। तीसरे पेज पर आते हैं और थर्ड पेज पर भी हम यही कॉमन सेटिंग कर देते हैं, जिससे कि हमारा स्लाइड देखने में अच्छा लगे। इस वजह से सभी स्लाइड पर सेटिंग करना ज़रूरी होता है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ये सब तो आपको सेट करना ही चाहिए, ठीक है ना। कैरेक्टर का साइज़ और बड़ा करना चाहें तो और बड़ा कर सकते हैं, और बड़ा करना चाहें तो और बड़ा कर सकते हैं, जितना चाहिए उतना बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाता है। देखेंगे पहला स्लाइड हो गया, दूसरा स्लाइड हो गया, तीसरा स्लाइड हो गया, अब ये तीन स्लाइड हमारे पास कंप्लीट हो गए। अगर यहाँ पर देखेंगे लेआउट की बात करें तो लेआउट भी हम अपने बदल सकते हैं और स्क्रीन का साइज़ भी बदल सकते हैं। जो स्लाइड अभी आपको दिख रही है उसका स्क्रीन का साइज़ अगर देखें तो यहाँ से देखेंगे यहाँ तक आपको जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं स्क्रीन साइज़। स्क्रीन साइज़ यहाँ 16:9 का है, 16:9 है, अगर हम बदलना चाहें तो 16:9 को हम बदल सकते हैं, बदलना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, और चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बस ये ऑप्शन हमें चेंज करना पड़ेगा।
यहाँ पे जा करके हम इसके रेशियो को हम बदल सकते हैं, जैसा रेशियो चाहिए वैसा सेलेक्ट कर सकते हैं, लेटर सेलेक्ट कर सकते हैं, A4 सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब जैसा पेज होता है वही रेशियो कहलाता है। तो हमें जो सेट रहता है 16:9 का, तो वही हमको सेलेक्ट करना रहना देना है। लैंडस्केप जो स्लाइड बनती है वो हमेशा लैंडस्केप पेज पर ही बनती है। पोर्ट्रेट स्लाइड अगर बनाओगे तो उस पर ज़्यादातर ऐसा होता है, 99% आपको जब कभी भी स्लाइड बनाने के लिए दिया जाएगा तो लैंडस्केप ही होता है। अगर पोर्ट्रेट कर दोगे तो वो अच्छा दिखेगा ही नहीं, मतलब वो उतना अच्छा लुक उसका आएगा ही नहीं, इसलिए हमेशा लैंडस्केप ही रहता है। मतलब जो सेटिंग है वो यहाँ पे वही रहेगा। अगर बैकग्राउंड में कलर वगैरह देना चाहें तो यहाँ से कलर आप चूज़ कर सकते हैं, बैकग्राउंड का कलर यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, जो कलर आपको चाहिए वो कलर यहाँ से आपको मिल जाएगा, यहाँ से कलर की सेटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर डिफ़ॉल्ट है, ये ऑलवेज सेट रहेगा। मास्टर व्यू पर क्लिक करेंगे तो यही पेज आपको मास्टर व्यू में दिखाई देगा। यहाँ पर आपके सामने मास्टर पेज खुल जाएगा, जो हमारा पेज था वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पर देखेंगे हमारे पास ये वाला मास्टर व्यू में दिखाई दे रहा है। अब क्या करना पड़ेगा, अब ये देखेंगे अंडू बटन पर क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे ऐसा होगा। अब फिर उसके बाद अंडू बटन पर जितनी बार भी क्लिक करेंगे, अब आप पुराने पेज पर अपने पेज पर नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि आपने मास्टर पेज सेलेक्ट कर लिया। अब मास्टर पेज सेलेक्ट कर दिया तो नॉर्मल कैसे होगा, ये मास्टर पेज होता है और यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर देखेंगे ये एडिट होता है नॉर्मल, नॉर्मल पेज पर यहाँ से क्लिक करोगे। अब जैसे ही नॉर्मल पेज पर क्लिक करोगे तो फिर से आप पुराने वापस पेज पर आ जाओगे। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मास्टर पेज चूज़ कर सकते हैं। मास्टर पेज जो है वो पहले से प्री फॉर्मेटेड पेज है, उसमें सब कुछ ये देखेंगे, यहाँ व्यू मास्टर पर क्लिक करोगे तो सब कुछ पहले से प्री प्लान्ड है कि आपको कहाँ पर क्या चीज़ें लिखनी है, बस आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट बदल लेने हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग सब कुछ इसमें बुलेट स्टाइल नंबर और कौन कितनी दूरी से लिखेगा ये बिल्कुल से सेट है पहले से, मतलब प्री फॉर्मेटेड पेज चाहिए तब आप इसका इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपको नॉर्मल पेज चाहिए तो यहाँ पर जा करके नॉर्मल पर क्लिक कर देते हैं तो जो हमारे द्वारा बनाया गया पेज होगा वो पेज हमें दिखने लगेगा, मतलब ये पेज हमारा दिखना शुरू हो गया। अब फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे लेआउट होता है। लेआउट का मतलब होता है कि पहले तो हमने चूज़ कर लिया था ये वाला लेआउट जिसमें कि ऊपर एक टाइटल होगा एक सब टाइटल होगा। अगर हम बाद में बदलाव करना चाहते हैं कि अब हमको ये लेआउट बदलना है तो लेआउट बदलना है तो लेआउट यहाँ पर दिखाई देता है। लेआउट कई जगह पर मिलेंगे तो इसमें से देखेंगे लेआउट, हम मान लीजिए ये वाला चूज़ कर लेते हैं। अगर ये चूज़ करेंगे तो RGS कंप्यूटर सेंटर जो लिखा हुआ है वो लिखा रहेगा, इसके अलावा एडिशनल दो ऑप्शन आ जाएंगे जिसमें लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टेक्स्ट लिखा हुआ है और नीचे देखेंगे चार विकल्प बने हुए हैं, चार ऑप्शन बने हुए हैं, जैसे कि यहाँ ये इंसर्ट टेबल है, इंसर्ट चार्ट है और इंसर्ट पिक्चर है और इंसर्ट ऑडियो और वीडियो है। अगर ये वाला बॉक्स भरना है तो आपके पास पाँच विकल्प हैं, मतलब पाँच विकल्प हैं का मतलब ये वाला बॉक्स तब फिल हो जाएगा, ये वाला बॉक्स जो बना हुआ है ये बॉक्स तब फिल हो जाएगा जब इस पांचों कंटेंट में से कोई भी कंटेंट आप उठा लेंगे। या तो क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट लिख लिया तो ये चार ऑप्शन निगलेट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपने इसमें से टेबल उठा लिया तो ये ख़त्म हो जाएगा, बाकी तीन ऑप्शन ख़त्म हो जाएंगे, लैप्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद अगर चार्ट उठा लिया तो ये तीन ऑप्शन लैप्स हो जाएंगे और ये ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब इन पांचों में से चार इधर से और एक इधर से, मतलब पांचों में से कोई भी कंटेंट उठा लिया तो ये बॉक्स आपका फिल हो जाएगा, समझ रहे हैं। फिर आपके पास ये वाला बॉक्स बचेगा, इन पांचों में से फिर वही कंडीशन आएगी, इन पांचों में से जो भी उठा लिया तो ये बॉक्स फिल हो जाएगा। ऐसा ही आपके बहुत सारे पेजेस होंगे जिस पर सब पर आपको डिफरेंट डिफरेंट लेआउट मिलेगा, जैसे कि हम चूज़ कर दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने इस प्रकार का पेज, इस प्रकार का लेआउट मिल गया। अब क्या करें, अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ एक है, दो है, तीन है, चार है, पाँच है, हमारे पास पाँच ऑप्शन दिए हुए हैं, पाँचों में पाँच पाँच ऑप्शन है, जिसको भी फिल करना चाहें वो फिल कर लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमारा पेज रेडी हो जाएगा। तो मतलब पेज का लेआउट आपको बदलना है, ज़्यादा चीज़ें लिखनी है, ज़्यादा कंटेंट ऐड करने हैं, तब आप लेआउट को डिफरेंट डिफरेंट लेआउट को आप बदल सकते हो। लेकिन अगर कॉमन सी चीज़ें लिखनी हैं तो आप सिंपल वाला लेआउट यूज़ करेंगे जिसमें कि पहला दूसरा तीसरा लेआउट होता है, ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ से लेआउट सेट करना समझ में आया,
यहाँ पे प्रॉपर्टी सेट करना आया, जिसमें कि पेज और पेज का कलर यहाँ से लेना, सेट करना। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्या होता है। नेक्स्ट यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे हमने ये चीज़ देख लिया। अब टेक्स्ट पर आते हैं, अब आएंगे यहाँ पर, यहाँ से रिलेटेड एक एक करके ऑप्शन हम चूज़ करते जाएंगे, क्योंकि हमें सिक्वेंशियल सारी चीज़ें सीखनी है। तो यहाँ से सारे ऑप्शन हम एक एक करके यूज़ करेंगे। ये ऑप्शन देखेंगे सेलेक्ट करने के लिए होता है। तो अगर पेज पर ऑटो शेप की डिज़ाइन बनी हुई हैं तो आप उन्हें सेलेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे अगर शेप बना हुआ है, ये शेप बना हुआ है, अब एक शेप और बना लें। जैसे हमने क्या किया, एक शेप और हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये देखेंगे दूसरा शेप हमने यहाँ पर ऐसे बना लिया। अब फिर उसके बाद अगर ये शेप सेलेक्ट हैं, ये देखेंगे ये सेलेक्ट है, अब ये सेलेक्ट है, यहाँ पे हमने इस ऑप्शन को छोड़ दिया। यहाँ पर हम सेलेक्ट करना चाहते हैं दोनों शेप को एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं। कंट्रोल प्रेस करेंगे और फिर उसके बाद इसको प्रेस करेंगे, ये दोनों एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। अगर ग्रुपिंग करनी है तो ग्रुपिंग कर सकते हैं, ग्रुपिंग नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, फिर बाहर एक बार क्लिक कर देंगे, शेप ऑटोमेटिकली अलग अलग सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे ये जूम होता है, जूमिंग ऑप्शन, जिसमें कि जूमिंग आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखेंगे कोई भी यहाँ पर जूम, ये ऑप्शन देखेंगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखेंगे जूमिंग लिखा हुआ है, जूम पैन, इसमें क्या करना है, जूम इन जूम आउट होता है, ये फंक्शन जो होता है वो यहाँ से हम कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये जूम हो सकता है, यहाँ पर देखेंगे जूम आउट होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन आगे बढ़ता है, तो लाइन कलर, अगर जो भी टेक्स्ट जो शेप बने हुए होंगे उनमें लाइन में कलर अगर हम देना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे हमने जूमिंग यहाँ से बढ़ाई, ये देखेंगे बढ़ गया, अगर यहाँ से जूमिंग घटाते हैं तो देखेंगे घट जाएगा। और अगर इसको हमने छोड़ दिया, इस ऑप्शन को छोड़ दिया, अब इस पर हम डायरेक्ट एक्सेस करना चाहते हैं कि ऑप्शन किसी भी वर्ड पर क्लिक करें तो उसका जूमिंग डायरेक्ट हिट करे और जूमिंग डायरेक्ट बढ़े, तो यहाँ पे जैसे लेंस टाइप का ऑप्शन आ जाएगा, जिस पर क्लिक करने पर ये देखेंगे जूम हो जाएगा। अब फिर उसके बाद ये देखेंगे जितना चाहें उतना जूमिंग बढ़ा सकते हैं, और घटाने के लिए फिर इसी ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें एक्चुअल साइज़ में आना पड़ेगा। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन है जिसमें कि लाइन, लाइन में कलर देना चाहते हैं तो ये जो शेप आपने बनाया है वो उसमें लाइन में कलर हो जाएगा। अब फिर उसके बाद लाइन में देखिए रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जूम करिए, देखिए ये रेड कलर में दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ से कलर आपने ब्लू कर लिया तो ब्लू कलर दिखाई देगा, आप देखेंगे ब्लैक कर लिया तो ब्लैक कलर दिखाई देगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो कलर है वो अपडेट कर सकते हैं, जैसे ब्लू कलर सेलेक्ट है, अगर हम रेड कलर फिल करना चाहते हैं तो रेड कलर फिल कर लेंगे। इस तरीके से हम कोई भी कलर यहाँ से चूज़ कर लेंगे, जो भी कलर हमें चाहिए वो कलर चूज़ करेंगे। उसके अलावा कुछ ऑप्शन इधर भी खुल जाते हैं, उनको भी फॉलो करना है। जैसे आप यहाँ पर यूज़ करोगे तो साइड में ऑप्शन खुले हुए हैं, इनका भी प्रयोग करना पड़ेगा। इनका प्रयोग कुछ इस तरीके से है कि जैसे अगर कलर चेंज करना है तो कलर आपने चूज़ किया हुआ है तो ये आएगा, अगर पैटर्न चूज़ कर लिया तो पैटर्न आएगा, पैटर्न ऑप्शन आएगा जिसमें ऑप्शंस आपको मिलेगा, जैसे ये चूज़ कर लिया तो ये सेट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑप्शन हैं, जिन जिन ऑप्शन को चूज़ करेंगे वो ऑप्शन चूज़ होते चले जाएंगे। अगर ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो देखेंगे लीनियर करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, ऐसे ही इसमें से इफ़ेक्ट को चेंज करने के लिए है कि जो आपका शेप बना हुआ है उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट इफ़ेक्ट को ले सकते हैं और इफ़ेक्ट यहाँ से चूज़ हो जाएगा। तो जिस इफ़ेक्ट को चूज़ करना है वो इफ़ेक्ट ले लीजिए, इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ से बढ़ जाएगा, और अगर साइड करना चाहें तो छोटा भी हो सकता है, यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। फिर उसके बाद यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, ये अपडेट हो जाएगा। यहाँ से आप चेंजेस करना चाहें तो रोटेशन ऑप्शन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे लाइन, लाइन में देखेंगे लाइन, डॉटेड लाइन और डिफरेंट डिफरेंट लाइन आपको मिल जाती हैं। किसी भी लाइन को चूज़ करेंगे तो जो आउटर लाइनें हैं वो बदल रही हैं। आउटर लाइनों का अगर वेट बढ़ाना है तो वेट भी बढ़ा सकते हैं, वेट बढ़ाने के लिए ऑप्शन यहाँ से दिया हुआ है। आउटर लाइनें अगर प्लेन होंगी तो कुछ इस तरीके से होंगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लेआउट मिलेंगे। अगर कलर अपडेट करना है तो यहाँ से तो कर ही सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। जो ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है वो सारे ऑप्शन यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेंगे। आगे चलते हैं, आगे इसी में देखेंगे ऑप्शन मिलेगा जिसमें कि देखेंगे ट्रांसपेरेंसी हो गया, राउंडेड हो गया, यहाँ पर जिस पर भी क्लिक करोगे उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा, नन कर दोगे तो ये ख़त्म। अब फिर उसके बाद ये राउंडेड पर क्लिक करोगे ऐसा आएगा, यहाँ पर पोजीशन होती है, पोजीशन सेट करेंगे,
जितना लेफ्ट में लेफ्ट से राइट की ओर शिफ्ट करना चाहें राइट की ओर शिफ्ट कर सकते हैं, लेफ्ट की ओर शिफ्ट करना चाहें तो लेफ्ट में शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर वाई पोजीशन होती है, वाई पोजीशन में ऊपर से नीचे की ओर जाएगा, जितना चाहे नीचे की ओर शिफ्ट कराइए और जितना चाहिए ऊपर की ओर शिफ्ट करा लीजिए। विड्थ की बात करेंगे तो चौड़ाई होती है, मतलब शेप की चौड़ाई यहाँ से बढ़ाई जा सकती है, अगर घटाना चाहें तो घटा सकते हैं। हाइट की बात करें तो विड्थ और हाइट सबको पता होता है। यहाँ पर कीप रोटेशन होता है, अगर रोटेशन हमको चाहिए तो रोटेशन जितने डिग्री का चाहिए उतने डिग्री का रोटेशन ले सकते हैं। यहाँ पे अगर इसको पकड़ करके डायरेक्ट रोटेशन देना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो क्लॉक बना हुआ है, अरेंज का ऑप्शन होता है जिसमें जो शेप होते हैं वो शेप एक दूसरे के ऊपर नीचे जाने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि अरेंज ऑप्शन में देखेंगे, ये हमने ये शेप इंसर्ट किया और यहाँ पर इसको रखा और यहाँ पर रखा, अब इसको अरेंज करेंगे, ये शेप पुराने वाले शेप से ऊपर दिखाई दे रहा है। अगर हम चाहते हैं कि इसे बैक ले जाएं, तो बैक ले जाने का मतलब होता है बैक वन, बैक वन पर क्लिक किया तो ये देखेंगे शेप पीछे चला जाएगा। अब देखेंगे इसको फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो ब्रिंग टू फ्रंट, ये ऊपर आ जाएगा। शेप में कलर चेंज कर लें, शेप में कलर हमने रेड कर लिया, सॉरी लाइन में कलर हुआ है, शेप में कलर यहाँ से होगा। अब देखेंगे ये, अब यहाँ बैक टू, सेंड टू, ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें। देखेंगे जितने भी ऑप्शन बाकी सभी हैं, कॉलम में जाओगे तो कॉलम में सेटिंग मिलेगी जिसको आप कॉलम में बढ़ा घटा सकते हो। इफेक्ट में जाओगे तो वही है, कलर को बढ़ाने घटाने का और विड्थ बढ़ाने घटाने का ऑप्शन मिलेगा, आप अपने से चेक कर लीजिएगा। मतलब यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया, मतलब यहाँ तक हमने देख लिया कि यहाँ पर ये ऑप्शन, यहाँ तक देख लिया कि यहाँ से कलर और इसमें जितने भी ऑप्शन बने हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि ये आप खुद से ट्राई करोगे तो नहीं आएगा। इसमें सब ऑटो शेप से ही रिलेटेड ऑप्शन हैं और जैसे ही ऑटो शेप ऑप्शन को टच करेंगे तो ये ऑप्शन आपके सामने खुलेगा और फिर उसके बाद इसमें जितनी भी सेटिंग है वो सारी सेटिंग इसी से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन आप यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, आज इतना ही रहेगा, कल इसके आगे कंटेंट बताएंगे, इसके आगे का कंटेंट कल पढ़ते हैं, ठीक है।